Hey guys, welcome back to again SR Editing Zone. दोस्तों, अगर आप एक एडिटर हैं या फिर आपको एडिटिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप लोगों को पता ही होगा कि एडिटिंग की शुरुआत बेसिक से होती है, जिसमें हमें बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करने के साथ साथ चेंज भी करना आना चाहिए। हमारी एडिट की गई फोटो को देखकर भाई कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया गया है। ऐसे में दोस्तों, हमें मोबाइल में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिल पाती है जिसमें हम लोग हाई क्वालिटी में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर पाए। खास तौर पर हेयर वगैरह के पास पार्ट रिमूव करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। जिन एप्लीकेशन में यह पॉसिबल भी है, लाइक पिक्सआर्ट वगैरह, उनमें हमारी फोटो का जो आउटपुट है बहुत ही लो क्वालिटी में मिलता है, यानी कि हमारी हाई क्वालिटी की फोटो भी काफी लो क्वालिटी में सेव होती है। दोस्तों, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने की कभी ना कभी तो आपको जरूरत पड़ती ही होगी, चाहे आप एक यूट्यूबर हो या एडिटर हो या फिर किसी भी फील्ड में वर्क करते हो आप, ये काम देखिए कभी ना कभी भाई आपको करना ही पड़ता होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको Adobe कंपनी की एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें आप लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन में आप रियलिस्टिक तरीके से बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे वैसे का खर्चा नहीं है। दोस्तों, मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है Adobe Express। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसमें कुछ इमिटेशन है। सो मैंने इसके प्रो वर्जन के बारे में भी आपको बताया है कि आप लोग कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रो वर्जन डाउनलोड करने के बाद आपको एक पासवर्ड डालना होगा जो वीडियो में 3 बार शो होगा, 2-2 अंकों का होगा ये, जिसको जोड़कर आपको टोटल 6 डिजिट का पासवर्ड बना लेना है। ओके, तो चलिए जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने Adobe Express को ओपन कर लिया है, यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करने को बोलेगा, क्योंकि Adobe कंपनी के सभी ऐप और सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। फेसबुक वाले ऑप्शन से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन होने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ देखिए ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके प्रीमियम वर्जन का मैं यूज कर रहा हूँ, तो सभी ऑप्शन इनेबल है यहाँ आपको। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, लोगो, यूट्यूब थंबनेल्स, कोलाजेस, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, मेन्यूज, रिज्यूमेस, नौकरी वगैरह के लिए जो हम बनवाते हैं, पोस्टर वगैरह। और भी देखिए बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जिनका हम लोग दोस्तों यूज कर सकते हैं, वो भी गाइस फ्री में। सो मैंने भी देखिए कई बार अपने यूट्यूब का थंबनेल इससे ही क्रिएट किया है। बाय द वे गाइस, अब बात करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने की। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बैकग्राउंड चेंज करना और रिमूव करना अलग अलग होता है। पहले मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर दोस्तों आपको क्लिक करने पर सबसे पहले ही बैकग्राउंड रिमूव का टूल देखने को मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ जिस भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है वो आपको ले लेनी है फोटो गैलरी से। और कुछ सेकंड्स के बाद आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। प्रोसेसिंग में रिफाइनिंग एजेस वगैरह सभी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, जिससे फोटो में अगर हमारे हेयर वगैरह हैं तो बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और देखिए वो बिल्कुल ही फेक नहीं लगते हैं। दूसरा, बैकग्राउंड पर रखने पर फोटो, दोस्तों यहाँ आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको क्लिक करने के बाद आपको कीप एडिटिंग पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सो फ्रेंड्स, PNG फॉर्मेट में सेव करने के लिए ट्रांसपेरेंट इमेज पर क्लिक करना होगा और शेयर पर क्लिक करके सेव कर लेना है। ओके, फोटो अभी हमारी सेव हो जाएगी गैलरी में। अभी दोस्तों बैकग्राउंड चेंज भी करना है, जान लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर ध्यान रहे, जो आप बैकग्राउंड रखने वाले हैं उसको लाना है। जैसे YouTube थंबनेल वगैरह बना रहे हैं तो जो पीछे बैकग्राउंड रखे वो लेना है। यहाँ मैं फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ साइजेस मिल जाएंगे, यहाँ मैं ओरिजिनल साइज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करते हैं, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे टेक्स्ट अभी नहीं रखना है। इसके बाद ऐड में आकर दोस्तों फोटो ऐड कर लेते हैं, मैं वही वाली फोटो ले लेता हूं। इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं, आप उंगलियों से भी कर सकते हैं इस तरह, या फिर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है साइज को घटाने बढ़ाने का। देन सबसे पहले वाले एडिट टूल में जाकर यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेंगे और हमारी फोटो का जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो हो जाएगा रिमूव बस एक क्लिक में। दोस्तों, एडिट कटआउट वाले पर क्लिक करके अगर बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाता है उसको वापस लाया जा सकता है, और अगर कोई पार्ट रह जाता है तो इस तरह से इरेज भी किया जा सकता है। ये आपको प्रो वर्जन में ही मिलेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, बैकग्राउंड से फोटो को मैच करने के लिए कंट्रास्ट, ब्राइटनेस
हाईलाइट सैचुरेशन वगैरह सभी चीजें मिल जाती है। फोटो की शार्पनिंग भी बढ़ा सकते हैं। ऐप में आपको ब्लेंडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे टूल्स और फिल्टर्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड आपको पसंद आए वो आप रखकर बिल्कुल रियलिस्टिक एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी दोस्तों HD क्वालिटी में। दोस्तों अभी जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए देखिए आपको गूगल लेंस ऐप में जाना है और ये वाला QR कोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन आपको इसको स्कैन कर लेना है। अभी दोस्तों साइट पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लेना है और फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसके लिए पासवर्ड आपको वीडियो में 3 बार शो होगा, वो आपको डालना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो एंजॉय करें, एडिटिंग करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।